अगर आपका फोन भी स्क्रीन कास्ट या फिर काइंड लिंक के थ्रू कनेक्ट नहीं हो पाता तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में मैं कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि आपके फोन को इजीली कनेक्ट करेंगे काइंड लिंक या फिर स्क्रीन कास्ट के थ्रू। ये जो ऐप है इस प्रोसेस में यूज होगी, ये अलग अलग टीवी या फिर स्मार्टफोन में अलग अलग नाम से हो सकती है। जैसे कि मेरे पास ये रेडमी नोट 9 है, इस मोबाइल में ये ऐप कास्ट के नाम से है। वहीं जो मेरी टीवी है उसमें ये ऐप काइंड लिंक के नाम से है। वहीं जो मेरा सैमसंग का फ़ोन है उसमें ये ऐप स्मार्ट व्यू के नाम से है, और जो वीवो का फ़ोन है उसमें ये सेम ऐप स्क्रीन मिररिंग के नाम से है, और कहीं कहीं ये वाईफाई डिस्प्ले के नाम से भी होती है। इस ऐप का नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन इसका जो फंक्शन है वो सेम रहने वाला है, और स्टेप और प्रोसेस भी सेम रहते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मिस्टेक्स जिसकी वजह से ये प्रोसेस नहीं हो पाती है उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। जो सबसे पहला सॉल्यूशन है वो ये है कि काइंड लिंक ऐप को ओपन करने से भी पहले आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद नेटवर्क में जाना है, और उसमें ये जो वायरलेस है इस पर क्लिक होना चाहिए। अगर यहाँ आपका वायर नेटवर्क पे है ऑप्शन कनेक्ट नहीं होगा, इसलिए आपको ये वायरलेस पे करके रखना है। वायरलेस पे करने के बाद आपको वापस से होम पेज पे आ जाना है, और होम पेज पे आने के बाद आपको फिर काइंड लिंक जो ऑप्शन है इसे ओपन करना है। सेकेंड सॉल्यूशन से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो फंक्शन है इसमें मोबाइल डाटा का कोई यूज़ नहीं होता। अगर इन केस आपको यूट्यूब वगैरह यूज़ करना है स्क्रीन कास्ट के थ्रू तब तो यूज़ होगा, लेकिन आपको जैसे अपनी गैलरी के अंदर से फोटोज़ ही देखने हैं तो आप अपने मोबाइल डाटा को ऑफ करके भी देख सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड सॉल्यूशन के लिए आपको अपने फ़ोन के ऐप स्टोर में आना है, प्ले स्टोर में नहीं जाना, आपको अपने फ़ोन के ऐप स्टोर में आना है। जैसे कि मेरे पास ये रेडमी नोट 9 है तो इसमें गेट ऐप्स करके ऐप स्टोर है, इसमें जाना है। इस ऐप स्टोर में आपके मोबाइल में जो प्री इंस्टॉल ऐप्स होती हैं उनको शो करता है, और इसको शो करने के लिए यहाँ मी का ऑप्शन होता है, इसमें आना होता है। अलग अलग मोबाइल में ये फंक्शन अलग हो सकता है। यहाँ आपको अपडेट्स में जाना है, और अगर स्क्रीन कास्ट का अपडेट अवेलेबल है तो उसे अपडेट करना है। थर्ड सॉल्यूशन ये है कि आपका फ़ोन कनेक्ट होने के बाद आपको अपना फ़ोन टीवी से ज़्यादा दूर नहीं रखना, इसे लगभग 3 से 4 मीटर के रेडियस में ही रखना है। मींस आपको फ़ोन 3 से 4 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं रखना, उससे पास ही रखना है। आप इन सॉल्यूशंस को फॉलो करो, होपफुली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और आप इसी तरीके की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि शाओमी या फिर रेडमी के फ़ोन को कैसे कनेक्ट किया जाता है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको जानना है वीवो के फ़ोन को कैसे कनेक्ट किया जाता है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो।